हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहा यानी चूरे का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा करारा नाश्ता, जिसे एक बार बनाकर आप पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे में बार बार किचन में जाकर नाश्ता बनाने में आपको गर्मी भी लगती है, उलझन भी महसूस होती है, और इस समय कोरोना वायरस भी काफी तेजी से फैल रहा है, सभी लोग घर में है और लॉकडाउन भी लग चुका है। तो ऐसे में बार बार मन करता है कुछ चटपटा और तीखा खाने का। तो ये रेसिपी ऐसी है जिसे एक बार बनाकर आप रख दीजिए और जब भी कोई नाश्ता मांगे आप इसे सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करेंगे। ये बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि बनने वाली है पोहा से। पोहा बहुत ज्यादा लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है। आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे जरूर फॉलो करना, उससे आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, आपकी बहुत ही कम टाइम में रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई, काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कप पोहा, जो नाप में बताऊं तो एक कटोरी भी हो सकता है। आप अपने कप या कटोरी किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक कप लेना, ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे, क्योंकि इस समय वायरस चल रहा है। कोई भी चीज यूज कीजिए तो उसे अच्छे से वॉश करके ही यूज कीजिए। तो एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम छन्ना रखेंगे और इसके अंदर हम अपना पोहा यानी चूरा डाल देंगे। आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसे हम अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश करेंगे, इस तरह से मलते हुए, ताकि इसमें जितनी भी धूल मिट्टी लगी है वो निकल जाए। तो चलिए 3-4 पानी वॉश करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, 3 से 4 पानी वॉश करने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए, और पानी डालने की जरूरत नहीं। जितना आप पानी डालेंगे उतना ही पोहा सोख लेता है और आपका नाश्ता चिपचिपा और बहुत ज्यादा लिप हो जाएगा। तो उसे नहीं करना है। इसमें जितना पानी हमने वॉश करते हुए डाला था उसी में जो पानी बचेगा उसी से ये अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए फूलना शुरू हो चुका है। मैंने पतला वाला पोहा लिया था तो इसे फूलने में कम टाइम लगता है, अगर आप मोटा लेंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए इसे रख देते हैं, ऐसे ही फूलेगा। तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम गैस पे कर लेते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और एक पैन रखा है, जो भी पैन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों का तेल, और ये रेसिपी सरसों के तेल से बनेगी तभी अच्छी बनेगी। तो अब हम तेल को बिल्कुल धुआंधार गर्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफी कड़वापन होता है कड़वे तेल में, तो इसे हमें गर्म करना जरूरी है। बिल्कुल धुआंधार गर्म करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरे का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इस रेसिपी में, और जीरे को हम बढ़िया तरीके से तड़कने देंगे। बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में जो हम बना रहे हैं अभी। तो अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली, जो हमारी 2 चम्मच है और कच्ची मूंगफली है, और इसे हम बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से हम इस तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर मूंगफली को जीरे के साथ बढ़िया तरीके से भूनेंगे, ताकि मूंगफली में काफी अच्छा सा क्रिस्प आ जाए। और जब इस मूंगफली से हम रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो 1 से 2 मिनट तक हमें भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। तो फ्रेंड, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मूंगफली में चट चट की आवाज आ जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमारे 2 टमाटर हैं, ये जूसी और लाल टमाटर होने चाहिए, और इसको हम ऐड कर देंगे। और इसका जूस नहीं निकालना है। टमाटर को हम गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो 2 चुटकी हम नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड, 1 से 2 मिनट हो गया है, तो हमारे टमाटर हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, और इस तरह से हम इसे चला देंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, टमाटर को हमें भूनना है, और हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है हमारे पास खजूर यानी डेट, जो हमने बीज निकाल लिए है, और इस तरह से हम 3 खजूर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो बीज निकाल कर है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। खजूर डालने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा। तो अगर आपके पास खजूर ना हो तो आप क्या डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा चीनी डाल लीजिए, अगर चीनी यानी शक्कर ना हो यानी शुगर तो आप इसमें वो डाल लीजिएगा, गुड़। लेकिन जो खजूर की चटनी बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इस समय तो खजूर आसानी से हर जगह मिल जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप लोग इसको हटा सकते हैं। तो ये मेरे खजूर डालकर हम इसे 1 मिनट वापस से पकाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा टमाटर से होगा खट्टा, खजूर से होगा मीठा, और मूंगफली से बहुत ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे ताकि ये चटपटा हो। तो फ्रेंड, 1 बड़ा चम्मच भर कर इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे ताकि ये चटपटा बने। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, जिससे बहुत प्यारा रंग आएगा। और मसालों को डालकर हम वापस से इसे 10 सेकेंड और भुनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो पहले हम इसे बढ़िया तरीके से भून लेंगे, फिर इसके बाद हम इसे ठंडा करके यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे आपको बताएंगे अभी। तो चलिए फटाफट भून लिया है, अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड, देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है, हम इसे छू पा रहे हैं, इतना ठंडा करना है कि हम इसे छू पाएं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेके इसके अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं।
ये देखिए इस तरह से हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसे हम पीस लेंगे। जो हमारा टमाटर होगा उसी में अपना ही पानी होता है, उसी से ये पिस जाएगा। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने पीस लिया है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी ये अच्छे से पिस गया है क्योंकि मूंगफली और टमाटर में अपना पानी होता है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारी परफेक्ट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है जो बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप इसे किसी के साथ भी इंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बस आपको पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है इस चटनी के लिए, नहीं तो आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप इसे 10 से 15 दिन तक खाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बहुत ज्यादा ये हेल्दी है क्योंकि इसमें खजूर पड़ा है और ये खजूर की चटनी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, मेरे तरीके से बनाना आपको मजा आ जाएगा। तो ये देखिए चटनी की जो थिकनेस है वो इसलिए गाढ़ी होती है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये पतली हो जाएगी। इस तरह से चटनी एंजॉय करना, बहुत मजेदार आएगी। तो अब चलिए हम इसे रख देते हैं साइड में और अपने चूड़ा यानी पोहे को चेक कर लेते हैं, वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड ये देखिए पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है और हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। और देखिए जितना भी पानी था वो अच्छे से हो गया है। अब इसे हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से आटे के फॉर्म में ले आएंगे और इसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो जब आपका पोहा अच्छे से फूला होगा तो मैश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, फिर इसके अंदर चीजें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड हाथों को वॉश कर लिया, अब इसमें हम डालेंगे एक ग्रीन चिली जो हमने मोटी मोटी चॉप कर ली है, एक चम्मच साबुत जीरा बड़ा वाला भर के, अगर आप छोटा वाला डालें तो दो चम्मच डालना, दो चम्मच फ्रेश हरा धनिया जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को आप फैन के नीचे रख के सुखा दीजिएगा तब डालिएगा, पानी होगा तो आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी धनिया में बिल्कुल ही पानी है तो मत डालिएगा धनिया, बिना धनिया के बना लीजिएगा। अगर आप धनिया नहीं खा रहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाला डालना। अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अमेजिंग सी चीज, वो है रेड चिली जो हम आधा चम्मच डाल रहे हैं, आधा चम्मच चाट मसाला ताकि चटपटा बने। ये हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर हम टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, एक चम्मच भरकर गरम मसाला, अगर आपके पास घर का गरम मसाला ना हो तो आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने होममेड डाला है, एक चम्मच गुनगुना सरसों का तेल ताकि कुरकुरा और क्रिस्पी बने। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू डालेंगे जो हमारा मुश्किल से 10 ग्राम का था, जिसको हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद हाथ से मैश कर लिया मोटा मोटा, ये हम डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल देते हैं, लेकिन सिर्फ एक आलू डालना एक कटोरी पोहे में, ऐसे आप लोग नाप ले लेना। अब इसमें हम डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है चावल का आटा जो हम सिर्फ 4 चम्मच डालेंगे नाप के, ज्यादा नहीं डालना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप लोग कॉर्नफ्लोर या अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, या फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं, सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। ये जो हमारी आलू की और पोहे की नमी होगी उसको ये अच्छे से सोख लेगा, इसीलिए ये डालना जरूरी है, इसे कुरकुरा ही बनेगा और तेल कम ये सोखेगा। तो बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था तब भी ये कितने अच्छे से सारा बाइंड हो गया है। और अपने हाथों को वॉश कर लेंगे फिर इसे शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे अपनी हथेलियों पे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी हथेलियां ग्रीस हो जाएं। तो ये देखिए मैं परसों जल गई थी और निशान मेरा पड़ गया। तो कई बार हो जाता है ना कि काम करते करते आदमी जल जाता है, तो आप लोग जब जल जाते हैं तो क्या लगाते हैं बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी लगाना शुरू कर दूं, मेरे से छाले पड़ गए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको शेप देंगे, ये शेप बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, बिल्कुल पतला पतला बनाना ताकि खाने में बहुत ज्यादा कुरकुरा क्रिस्पी बने। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा साइड से कर देना। तो चलिए इसे रख लेते हैं, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। ये देखिए इस तरह से आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस शेप में बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं इसे इस शेप में बना रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये शेप पसंद है और मेरी छोटी सिस्टर को ये शेप बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। उसने डिमांड की थी कुछ अच्छा सा बना दो, तो मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप सब लोग भी मेरी फैमिली है। इस तरह से देखिए हल्का हल्का सा, हमें बहुत ज्यादा ना मोटा रखना है बहुत ज्यादा पतला है, इस तरह से हम कर देंगे। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, फटाफट बनाकर आपको दिखाते हैं लास्ट में, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बराबर से बनाना नाप के, नहीं तो इसको कट भी कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने बना लिया, आधे मैंने फ्रिज में लगा दिए, आप भी इसे फ्रिज में लगा सकते हैं, हवा भर डिब्बे में जब मन हो तब निकाल कर बना लीजिए, बना के रख देंगे तो पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। तो चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाकर आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है, बहुत ज्यादा कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक फैन रखा है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ ले लीजिए और भारी लीजिए। अब तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे, जब तेल हाई फ्लेम पर गर्म होगा तब ये कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। तो इसलिए इसे फ्राई करने के लिए आपको तेल को काफी अच्छे से गर्म करना है। जब गर्म हो जाएगा हम तेल को लो कर देंगे यानी फ्लेम को लो कर देंगे एकदम, और इस तरह से अपने तैयार नाश्ते को हम डाल देंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे दो बैचेस में बना सकते हैं,
मेरा इतना बड़ा है कि मैं इसे एक बार में एडजस्ट कर पा रही हूँ, और आधा मिश्रण मैंने रख दिया है, उसका मैं बाद में बना लूंगी। आप मिश्रण भी रख सकते हैं और इस तरह से बना कर भी रख सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम टर्न कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो छोटे चम्मच से कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का सा हम इसको दूसरे साइड से भी कर देंगे, यानी घुमा देंगे। और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि आलू की मात्रा आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी है। आप कई बार कटलेट वगैरह बनाते हैं लेकिन उनको फ्राई करते समय फट क्यों जाते हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि आप लोग आलू की मात्रा को ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में आलू की मात्रा को ज़्यादा करेंगे तो वो जाहिर सी बात है तेल में जाते ही फट जाएगी। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करना, आलू कम डालना। 1 कटोरी पोहे में सिर्फ 1 आलू ही काफ़ी है। इस टिप को फॉलो करना, आपका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। अब इसे हम दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब 10 सेकंड हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये कुरकुरे क्रिस्पी बन जाए। अंदर तक ये पक चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसे 10 सेकंड हम रखेंगे और अलटते पलटते रहेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया, अब इसे निकाल लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ी देर रखेंगे। ये देखिए कितने कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं। अब इसे अपने बर्तन में निकाल के आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता, जिसे हमने बनाया है पोहे से। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स से जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज्यादा खूबसूरत उससे ज्यादा टेस्टी है खाने में। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, हल्का है, और आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं। पूरे महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। और देखिए इसका फाइनल लुक, ये देखिए कितना कुरकुरा और क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी है, और मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। और इस चटनी के साथ जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बिना फ्रिज के आप इसे स्टोर कर पाएंगे नाश्ता और ये रेसिपी यानी चटनी को। तो इस रेसिपी को इंजॉय करना, पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, घर में रहना, सेफ रहना, बाहर मत निकलना क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है। आपका घर में रहना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए दोनों के लिए सेफ है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।